हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग तन्मय क्रिएशंस। आई एम तन्मय बिस्ट और इस वीडियो के साथ हम आज से हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेशन शुरू करेंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, उसका जो थ्योरी पार्ट है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अपकमिंग वीडियोज में हम एक्सरसाइजेस और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में रियल नंबर्स चैप्टर 1 से। सो यू मे बी नोइंग व्हाट अ रियल नंबर इज। रियल नंबर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या होता है। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सपोज नंबर लाइन ऐसी है, दिस इज योर नंबर लाइन, राइट। यहां पे आपका जीरो है, ये है पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और आपने क्लास में 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि रियल नंबर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका रैशनल नंबर, और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। सो आई होप ये नंबर्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूं दोनों की। ठीक है, तो द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स को आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो 4/5, तो ये p by q की फॉर्म में है, हेंस ये रैशनल नंबर है। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, अब 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, राइट, 3/1 लिख सकते हो, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे √2 है और आपका √3 है, √5 है, ऐसे रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। अब जैसे √4 है आपका, √4 की वैल्यू हमारी ±2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन √2, √3, √5 ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। इनको दूसरा तरह से डिफाइन करने का तरीका होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। मतलब जब उनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें कभी वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे √2 की वैल्यू में आप लिखते हो 1.414 एंड सो एंड सो, ये बिलियंस ऑफ प्लेसेस सब भी इसमें जीरो नहीं आता है, टर्मिनेट नहीं होती है। ऐसे ही एक और इरेशनल नंबर होता है पाई, इसकी वैल्यू भी हम 3.14 ले लेते हैं, लेकिन 3.14 होती नहीं है, वो होती है 3.1441, ऐसा बहुत आगे तक होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक इस चैप्टर को स्टार्ट करने का। अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक, एक रूल है हमारा जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसा रूल है जिसको यूक्लिड ने अपनी एलिमेंट्स सीरीज में बताया था, जो कहता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, सपोज ए और बी, ये कोई पेयर है नंबर्स का, तो ऐसे सिर्फ दो ही यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ऐसे सिर्फ दो ही ये यूनिक इंटीजर्स होते हैं क्यू और आर, जहां पे एक कंडीशन होती है, इसको जरूर याद रखना, आर की वैल्यू बी से छोटी होती है और जीरो से या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है।
ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन बी, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप किन्हीं भी दो नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में। जैसे सपोज ए और बी को हम मान लेते हैं 7 और 3, ठीक है। अब आप 7 को ए मान लो और बी को 3 मान लो, तो आप 7 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 7 इज इक्वल टू 3 × 2 + 1, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये हमारा ए है, 3 हमारा बी है, 2 हमारा क्यू है और 1 हमारा आर है। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम यूज करते हैं जनरली HCF निकालने के लिए, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम दो टर्म्स और डिस्कस करते हैं जो है, मैं यहाँ पे इनको शॉर्ट हैंड में बता दे रहा हूँ। लेमा, पहले तो एक टर्म आता है लेमा, ठीक है, लेमा, जैसे यहाँ पे भी था लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो लेमा को हम डिफाइन करते हैं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो रखा है, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स या थ्योरम, जिसे आप बोल सकते हो। अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स और थ्योरम्स, ऐसे एक स्टेटमेंट को हम लेमा बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब लेमा की तरह ही एक और टर्म आता है जो है हमारा एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर बताता है एल्गोरिदम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है 5 × 7 + 4 की वैल्यू, ठीक है। आप ऐसा करने के लिए इसमें पहला स्टेप क्या होगा एल्गोरिदम, पहले आप 5 × 7 करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो जो आपका आया 35, फिर सेकंड क्या होगा 35 + 4 करो तो ये आ गया आपका 39, ठीक है। तो ये जो दो स्टेप हैं इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये हमारा एक एल्गोरिदम बन गया, एक प्रोसीजर बन गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो हमने लेमा और एल्गोरिदम दोनों डिस्कस कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं HCF फाइंड करने की तरफ। सो अब हम HCF डिस्कस करेंगे, HCF, ठीक है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले हम इस HCF को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे, और आजकल के जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो भी इसी लेमा को यूज करते हैं HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, HCF आप किसी सपोज टू नंबर्स का निकालते हो जो है आपके ए एंड बी, ठीक है। तो आप ए और बी का HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर है, पहला है सपोज 210 और दूसरा है आपका सपोज 25, ठीक है। अब आपको इनका HCF निकालना है, HCF निकालने के लिए पहले आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखोगे। तो इनमें से बड़ा नंबर 210 है तो हम लिखेंगे 210, ठीक है। अब हम 210 को यहां पे डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। 25 8 टाइम्स जाएगा 200 और रिमाइंडर आएगा 10, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 210 जो कि आपका डिवाइडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट 25 × 8 प्लस रिमाइंडर इज 10, ठीक है। ये तो पहला फॉर्म हो गया। अब जो आपका सेकंड स्टेप होगा, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर आया यहां पे
इसके आगे एक डिवाइड का साइन बना के जो यहां पे डिवाइजर था इसको यहां पे उतार लो, ठीक है। तो अब यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहां पे 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 10 टाइम्स टू 20, रिमाइंडर इज 5। तो 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 10 इंटू टू प्लस 5, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वापस जो यहां पे रिमाइंडर आया है उसके आगे डिवाइड का साइन लगाओ और यहां पे 10 को उतार लो नीचे। तो यहां पे इस बार 10 आ जाएगा, ये वाला नंबर, ये जाता है 5 टाइम्स 2 और रिमाइंडर अब हमारा आ गया 0। सो इट कैन बी रिटन एज 5 क्रॉस 2 प्लस 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है आपको वहां पे अपना एल्गोरिदम स्टॉप कर देना है। जैसे ही नंबर 0 आ जाएगा तो जो ये नंबर है पैरेंथेसिस के बाहर, दिस विल बी योर एचसीएफ, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ 210 एंड 25 इज 5, दिस इज योर आंसर। और सीबीएसई बोर्ड में हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस लेमा पे या एचसीएफ निकालने का आता है। यहां पे जो ये लास्ट डिवाइजर बचा आपका, दैट विल बी योर एचसीएफ, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, सेकंड। सो द सेकंड एग्जांपल, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 630 और दूसरा ले लिया हमने 40, ठीक है। ये है हमारे दो नंबर्स, उनका पेयर, ठीक है। अब हम दोबारा लिखते हैं, नंबर बड़ा इनमें 630 है, तो 630 को लिखा, 630 इज इक्वल टू, अब हम करेंगे डिवाइड, किसको, 630 को करेंगे 40 से, तो वो जाएगा 15 टाइम्स 630, सो द रिमाइंडर इज 30। तो अब क्या फॉर्म आया यूक्लिड डिवीजन लेमा के, उसमें इट कैन बी रिटन एज 40 टाइम्स 15। जो आपका डिवाइजर है बाहर उसको हमेशा बाहर लिखना और जो क्वेश्चन है उसको हमेशा पैरेंथेसिस में लिखना, प्लस रिमाइंडर इज 30, ठीक है। तो अभी तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसलिए हमें अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब नया नंबर क्या होगा, 40 बाहर आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू, अब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट 30, सो द रिमाइंडर इज नाउ 10, नाउ वी कैन राइट इट एज 30 इंटू 1 प्लस 10। अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, 10 है, इसलिए वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस। अब नया नंबर आएगा 30, ठीक है। अब वापस डिवाइड करते हैं 30, 3, 30, 0, अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, इसको हम लिख लेते हैं 30 इज इक्वल टू 10 क्रॉस 3 प्लस 0। रिमाइंडर इस बार हमारा जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आते ही प्रोसेस स्टॉप कर देनी है और जो लास्ट डिवाइजर बचाइए इसको अपना एचसीएफ मान लेना है, दिस इज योर एचसीएफ। सो क्या फाइंड करते हैं हम, दैट एचसीएफ ऑफ 630 एंड 40 इज 10 आंसर जरूर लिखना आप बोर्ड में, ठीक है। और यहां पे देखें तो जो लास्ट डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर लास्ट डिवाइजर जो है वो हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रोसीजर सॉल्व करने का, एचसीएफ फाइंड करने का यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी मेथड पे बेस्ड है, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1, जो काफी सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ हमें उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा, ठीक है। सो अभी हमने एचसीएफ फाइंड करा था दो नंबर्स का, अब वैसा ही है, बस नंबर्स है हमारे 135 एंड 225, ठीक है। तो वही स्टेप्स रखते हैं अपने, बड़ा नंबर इनमें 225 है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी है 1.1,
ठीक है। सो बड़ा नंबर है हमारा 225, इसको हमने लिख लिया ऐसे, बना दिया डिवाइडेंट, और छोटे नंबर को लिख लिया बाहर, डिवाइड करा 135, सो 90 रिमाइंडर आया। सो वी कैन राइट इट एज 135 इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस। सो अब ये वाला नंबर बाहर आ जाएगा 135, ठीक है। अब इसको 90 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 45 आ गया, सो वी कैन राइट इट एज 90 इंटू 1 प्लस 45, द रिमाइंडर इज नॉट स्टिल जीरो, सो वी शैल कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। सो नाउ दिस नंबर विल कम आउट, 90 इज इक्वल टू 45 टाइम्स 2 प्लस 0, मैंने यहां पर डिवाइड करके नहीं दिखाया, आप कर सकते हैं, 90 डिवाइड हो जाएगा 2, सो रिमाइंडर नाउ कम्स टू बी 0। अब रिमाइंडर 0 आते ही आपको प्रोसेस स्टॉप कर देनी है, और जो नंबर पैरेंथेसिस के बाहर है या लास्ट डिवाइजर है, ये लास्ट डिवाइजर 45, तो ये आपका HCF होगा। दस द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज व्हाट इज 45, दैट इज योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे करते हैं हम दो नंबरों का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। सो क्वेश्चन के एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी मेथड से बन जाएंगे, आपको जस्ट HCF फाइंड करना है, और हम आने वाले वीडियोस में उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और सो एंड सो टॉपिक्स होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन भी हिट करें, और जो इसका सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220 वाला, उसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दैट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।